जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लक्ष्य के यूट्यूब चैनल पर, लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज 28 अप्रैल है, जैसा कि हम देख रहे हैं आज 28 अप्रैल है और आज भी हम रोज की तरह ही 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि हमारा टॉपिक है टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। बच्चों, किसमें टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स है? और टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स में हम सभी लोग जानते हैं कि हम 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं जो समसामयिकी से संबंधित होता है। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आगे कल की जो भी हमने पढ़ाई की थी उसका आप लोगों ने रिवीजन अच्छे से किया होगा। तो आगे की जो वीडियोज़ आएंगी उसमें मैं ऐसा ही करा करूँगा कि पहले जो है पिछली क्लास का थोड़ा बहुत रिवीजन किया करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ा करेंगे। तो आज हम पहले प्रश्न पर चलते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, उससे पहले टेलीग्राम पर ज्वाइन करना मत भूलिएगा और जिन्होंने अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करना, ठीक है। तो पहला प्रश्न है बच्चों आपके सामने कि हाल ही में खबरों में रहा कुरील द्वीप, कौन सा द्वीप? कुरील द्वीप समूह पर किन दो देशों ने अपना दावा किया है? कुरील द्वीप समूह, ये काफ़ी सुर्खियों में रहने वाला द्वीप है। आराम से प्रश्न बन सकता है कि भाई कहाँ है ये द्वीप, ठीक है, किस महासागर में है या किस सागर में है ये द्वीप। तो इसका आंसर होगा, जिन लोगों को भी आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और जल्दी से जल्दी आंसर देने का प्रयास भी करें कमेंट बॉक्स में। जितना आंसर देंगे तो इससे ये पता चलेगा कि आपको पहले से ही कितना आता है। अगर नहीं आता है तो बस मैं तो हूँ ही बताने के लिए। तो जापान और रूस के बीच में कुरील द्वीप को लेकर हमेशा से विवाद बना रहा है, जो कि हमें देखने को मिलता है। जैसे कि ये विवाद अभी कहाँ से बना है कि जापान द्वारा अभी जो है एक ब्लू बुक जारी की गई है। जापान द्वारा क्या जारी की गई? एक ब्लू बुक जारी की गई है जिसमें 4 द्वीपों के का वर्णन किया गया है और उसमें से एक द्वीप जो है कौन सा है? कुरील द्वीप है, जिस पर जापान ने अपना स्वामित्व जताया है और जापान और रूस के साथ इनका विवाद लगातार बना रहता है कुरील द्वीप के साथ। इसी के साथ ही अगर हम देखें तो कुरील द्वीप जो है इसकी स्थिति होकाइडो जापानी द्वीप, जापान जो है 4 द्वीपों में बटा हुआ है, 4 द्वीपों का समूह है, तो इसमें से एक द्वीप है होकाइडो। अभी हम मैप पर देखेंगे समझेंगे। और जापानी द्वीप से रूस के कमचटका प्रायद्वीप के, कमचटका प्रायद्वीप रूस का एक क्षेत्र है जहाँ से कुरील द्वीप टच होता है। तो दक्षिणी सिरे पर यानी कि कमचटका पेनिनसुला जो है, कमचटका प्रायद्वीप जो है वो दक्षिणी सिरे से जुड़ा हुआ है। बच्चों, प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप वो है भूभाग होता है जो 3 ओर से जल से घिरा हो। जैसे अगर हम भारतीय प्रायद्वीप की बात करें तो भारतीय प्रायद्वीप में एक तरफ क्या है बच्चे? बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। दूसरी तरफ क्या है? अरब सागर है। और दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर है, हिंद महासागर है। तो इसी तरीके से कमचटका पेनिनसुला भी है, वहाँ पर भी 3 ओर वह पानी से घिरा हुआ, यानी कोई भी भूमि जो 3 ओर से पानी से घिरी हो प्रायद्वीप कहलाती है। और द्वीप क्या कहलाएगा? कोई भी भूमि जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। तो बात समझ में आ जानी चाहिए, बिल्कुल सटीक और अच्छे तरीके से बात क्लियर हो जानी चाहिए। और इसमें हम देखते हैं, जब हम मैप पर देखें इस चीज़ को समझें थोड़ा सा, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि ये पैसिफिक महासागर ओशन है, यानी कि प्रशांत महासागर। हिंदी में क्या बोलते हैं इनको? प्रशांत महासागर बोला जाता है। प्रशांत महासागर हम जानते हैं विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। जो भी ये डार्क ब्लू आपको दिख रहा है ये पूरा जो है प्रशांत महासागर है, जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ओशिनिया और एशिया के साथ सीमा यहाँ पर लगाता है, जो कि साफ साफ आपको दिख रहा है। तो इसी में ही हम लोग देखते हैं कि भाई जो जापान है वो भी प्रशांत महासागर में आता है। किस में आता है? प्रशांत महासागर में आता है। और ये जो है जापान का क्षेत्र, यहाँ पर हम देखते हैं कहाँ पर है जापान का क्षेत्र, यहाँ जापान का क्षेत्र है और यहाँ पर कुरील सागर है, ये कमचटका पेनिनसुला है। तो यहीं पर ही जो है कुरील द्वीप है जो कि कमचटका पेनिनसुला के दक्षिण में स्थित है। इसको और बारीकी से थोड़ा सा देखते हैं हम। मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ तक जो है दिख नहीं रहा होगा, तो मैं और इसे थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है अब हमें? ये जापान का मैप है पूरा। ये किस देश का मैप है? ये पूरा जापान का मैप है, ये पूरा जापान का मैप है। और ये जापान का जो मैप है इसमें आप देख सकते हो कि जापान कितने भागों में बटा हुआ है, कौन कौन से महत्वपूर्ण 4 द्वीप हैं उसके, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है कौन कौन से द्वीप हैं। एक तो पहला क्यूशू द्वीप, शिकोकू द्वीप, ठीक है, होंगशू द्वीप और ये होकाइडो द्वीप, ये लिखा हुआ है होकाइडो द्वीप।
ठीक है, होकेडो डीप, फिर इसके बाद इधर की तरफ जो शुरू होता है क्या लिखा हुआ है, आइलैंड्स इन डिस्प्यूट जापान एंड रसिया। यहाँ पर जो द्वीप है कुरील द्वीप है जिस पर किसके साथ डिस्प्यूट है, जापान और रसिया के साथ डिस्प्यूट है, दोनों के बीच में विवाद है। तो ये पूरा जापान का, इनका सीक्वेंस ध्यान रखना, बार बार मैं एग्जाम में आ जाता है, बार बार बोल रहा हूँ, क्यूशु, शिकोकू, होंगशु और होकेडियो, ठीक है। ये कौन से है, जापान के चार द्वीप हैं और ये चार प्रमुख द्वीप है जिस पर पूरा जापान देश बसा हुआ है, बना हुआ है। इधर जापान सागर है, इधर आ जाता है दक्षिण कोरिया, इधर उत्तर कोरिया, फिर चाइना, फिर रशिया, ये इसकी सीमाएं चारों तरफ से, यानी कि जापान जो है पूरा का पूरा एक द्वीपीय देश है। और कितने द्वीपों से बना हुआ है, मुख्य रूप से चार द्वीपों से बना हुआ है और चारों का सीक्वेंस उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर ध्यान रहना चाहिए। होकेडो, होकेडो के साथ लगा हुआ है डिस्प्यूटेड कौन सा, कुरील, कुरील जो विवाद है, कुरील द्वीप का जो विवाद है वह होकेडो के साथ लगा हुआ है। और किसके साथ विवाद है, रूस के साथ विवाद है। अब इसमें और अच्छे से समझ लो, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये बताया था मैंने कौन सा द्वीप था, होकेडो द्वीप था, ये जापान का है पूरा, ये होकेडो द्वीप था, क्लियर है। और ये जो हिस्सा है ये क्या है, रशिया के द्वारा क्लेम्ड है, रशिया के द्वारा क्लेम्ड है। और किसके द्वारा क्लेम्ड है, और कौन इसे कहता है अपना, इसे जापान भी अपना कहता है। तो यहाँ पर कौन सा द्वीप है, कुरील द्वीप है, कुरील द्वीप है। और ये किस महासागर में है, अगर पूछा जाए तो किस महासागर में आ जाएगा, तो प्रशांत महासागर में स्थित है। किस महासागर में स्थित है, प्रशांत महासागर में स्थित है। नोट करते रहना बच्चों, ठीक है, नोट करते रहना, हम रिवीजन भी करते रहेंगे आगे की तरफ। ये देखो, ये कमचटका पेनिनसुला है, कमचटका प्रायद्वीप जो कि रशिया का प्रायद्वीप है, इससे ही इधर की तरफ आगे टच होता है, इधर जापान के साथ टच होता है। और यहाँ पर दोनों के बीच में क्या होता है, विवाद होता है, किस चीज़ को लेकर, कि कुरील द्वीप मेरा है, तो कोई कहता है कि ये मेरा है। तो यहाँ पर सी ऑफ ओखोटस्क, सी ऑफ ओखोटस्क, अभी हमने देखा यहाँ पर सी ऑफ ओखोटस्क है जो कि रूस में है, और सी ऑफ जापान जो कि जापान और चाइना के बीच में है, दक्षिण कोरिया के बीच में है। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं समझता हूँ कि ये चीज़ समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो मैप ध्यान रखिए, क्वेश्चंस यहाँ पर मैप से कई सारे मैंने आप लोगों को समझा दिया और बता दिया। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर हम अपने, कि अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, ठीक है। या उससे पहले जो है जापान के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, जापान के प्रधानमंत्री अभी कौन है, फूमियो किसीदा, फूमियो किसीदा जापान के प्रधानमंत्री हैं, फूमियो किसीदा, ये अभी जापान के नए प्रधानमंत्री हैं, फूमियो किसीदा। अब इसके बाद देखें तो इसकी राजधानी क्या है बच्चों, राजधानी है टोक्यो, टोक्यो राजधानी है। अभी टोक्यो में कौन सा ओलंपिक हुआ था, ठीक है, टोक्यो में ओलंपिक हुआ था, कौन सा ओलंपिक हुआ था जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो, ठीक है, कमेंट में जो है क्या लिखना है कि टोक्यो में कौन सा ओलंपिक हुआ था, जल्दी से कमेंट करके बता दो, इसका उत्तर मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बता दो। पिछले करंट अफेयर्स में, बहुत जो पीछे हमने करंट अफेयर्स की हैं उन सभी में मैंने इसका अच्छे से डिस्कशन किया है। रूस के राष्ट्रपति, रूस के राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर पुतिन है। अभी काफ़ी सुर्खियों में रह रहे हैं क्योंकि अभी युद्ध चल रहा है, किसके साथ, यूक्रेन के साथ। तो देख लो भैया, व्लादिमीर पुतिन जो हैं पूरी तरीके से युद्ध के ही मूड में लगे हुए हैं। कैसे युद्ध के मूड में लगे हुए हैं, कि एक तरफ पश्चिम में रूस यूक्रेन के साथ लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ लगातार अब जो है जापान के साथ विवाद खड़ा करने की ओर बढ़ रहे हैं। बैलिस्टिक मिसाइलें वगैरह भी वहां पर उन्होंने तैनात कर दिए हैं जापान की तरफ, कुरील द्वीप को लेकर। तो भैया पूरे के पूरे जो है, अब मुझे लग रहा है कि ये चाहते हैं कि थर्ड वर्ल्ड वार हो जाए। कौन सा वर्ल्ड वार हो जाए, थर्ड वर्ल्ड वार हो जाए, ठीक है, तीसरा विश्व युद्ध हो जाए। ये तो पूरी तरीके से इस मूड में बैठे हुए हैं जापान के राष्ट्र, माफ करना, किसके राष्ट्रपति, रूस के राष्ट्रपति। तो यहाँ पर देखते हैं, ये व्लादिमीर पुतिन है भैया, नहीं पहचानते हो तो पहचान लेना सही से, ठीक है, कि ये व्लादिमीर पुतिन है। आगे अगर हम देखें तो राजधानी है किसकी, रूस की, क्या, मॉस्को इसकी राजधानी है। चलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्वेश्चन पर, सॉरी माफ करना, कि अगला क्वेश्चन क्या है बालकों, कि हाल ही में सुर्खियों में रहा, हाल ही में सुर्खियों में रहा पीएम मोदी ने कहाँ पर दूधवाणी सामुदायिक रेडियो, कौन सा रेडियो, दूधवाणी सामुदायिक रेडियो। भैया अभी आजकल जो है प्रधानमंत्री हमारे जो है उद्घाटन में लगे हुए हैं, काफ़ी सारे जगहों पर उन्होंने उद्घाटन किया है। कल भी मैंने बताया था, कई पॉइंट्स बताए थे, तो उसको ध्यान रखना है। तो दूधवाड़ी सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन जो है कहां पर किया गया, गुजरात में, ऑप्शन है आपके सामने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या कर्नाटक। तो आंसर क्या होगा बालको,
गुजरात में, गुजरात में भी कहाँ किया गया है, गुजरात में भी कहाँ किया है इन्होंने, तो दूधवाड़ी रेडियो स्टेशन का गुजरात में इन्होंने उद्घाटन किया है जो कि पशुपालन को समर्पित होगा। और गुजरात में कहाँ किया है इन्होंने, बनासकांठा जिला में सहकारी दूध उत्पादन संघ द्वारा स्थापित बनास डेयरी के नाम से इसे जाना जाएगा। किसको, रेडियो स्टेशन को। तो कहाँ किया है ये, बनासकांठा जिले में, बनासकांठा जिले में, कहाँ के बालको, गुजरात के बनासकांठा जिले में इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो यह देश का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन होगा। तो देश का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया, बनासकांठा में स्थापित किया गया। एक क्वेश्चन ये बन जाता है, देश का पहला रेडियो सामुदायिक रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया, बनासकांठा में स्थापित किया गया, जो किस राज्य में है, गुजरात राज्य में है। किसने किया, पीएम मोदी ने किया। भारत के पीएम कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये जो पीएम मोदी ने किया रेडियो स्टेशन का उद्घाटन, तो ये पहला सामुदायिक उद्घाटन ये है। और किससे संबंधित है ये, वह डेयरी से संबंधित है, ठीक है, किससे, डेयरी से संबंधित है, जो कि पशुपालन के विषय में जानकारी इस पर प्रसारित की जाएगी, सूचनाएं दी जाएगी किसानों को किस तरीके से पशुपालन करना है और दूध के व्यापार को बढ़ावा देना है। नाम क्या रखा गया है भाई, नाम रखा गया है दूधवाणी, ठीक है ना, जैसे हम बोलते हैं आकाशवाणी, रेडियो है ना आकाशवाणी, वैसे ही नाम है दूधवाणी, दूधवाणी इसका नाम रखा गया है। इसी के तरह बनास डेयरी की अगर बात करेंगे तो बनास डेयरी की स्थापना कब की गई थी बच्चों, स्थापना की गई थी 1969 में। बनास डेयरी है कहाँ, गुजरात में, इस बात को ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूँ, नोट डाउन करते रहना, गुजरात में भी, किस जिले में, बनासकांठा में, बनासकांठा में है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर चल रहा है, क्वेश्चन आराम से इससे पुटअप होंगे। इसके अलावा ये क्या है, सहकारी दुग्ध विपणन संघ का एक भाग है, और ये किस मंत्रालय के अधीन आता है, सहकारिता मंत्रालय, गुजरात सरकार के अधीन जो सहकारिता मंत्रालय है उसके अधीन आता है। अच्छा जल्दी से बता दो कमेंट में कि भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन है, सहकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन है भारत सरकार के, क्योंकि ये बिल्कुल नया मंत्रालय जो है बना है, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में ये आना चाहिए आंसर सभी का, ठीक है, जल्दी से आना चाहिए। तो इसी के साथ ही आगे देखें तो हम देखते हैं गुजरात में बनासकांठा जिले में ये स्थित है, और ये एशिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक क्षेत्र है बनासकांठा, कहाँ का, एशिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन क्षेत्र है, कौन सबसे, एशिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन क्षेत्र है बनासकांठा, यानी कि यही एक विशेषता है, महत्वपूर्ण विशेषता है बनासकांठा की, कि यहाँ पर पीएम मोदी जी ने दुग्ध वाणी का उद्घाटन किया, रेडियो दुग्ध वाणी का उद्घाटन किया है, ठीक है, दुग्ध वाणी रेडियो स्टेशन का उद्घाटन यहीं से किया है। तो इसी के साथ ही आगे बढ़ें और देखते हैं कि जो स्टैचू ऑफ इक्विलिटी है, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और एक कुछ स्टैचू वगैरह का भी उद्घाटन किया, जैसे उसमें हम देखें तो यहाँ पर नोट डाउन कर लेना, स्टैचू ऑफ इक्विलिटी ये किसका है, संत श्री रामानुजाचार्य का ये मूर्ति है, इक्विलिटी क्या नाम है, स्टैचू ऑफ इक्विलिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी नहीं, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो गुजरात में है, और ये कहाँ है, हैदराबाद में, 5 फरवरी 2022 को जो है, कब इसको किया गया स्थापित, 5 फरवरी 2022 में इसकी स्थापना की गई, कब की गई, 5 फरवरी 2022 में इसकी स्थापना की गई, और कब, क्यों की गई, 1000वीं जयंती के अवसर पर, किसकी 1000वीं जयंती, संत श्री रामानुजाचार्य की, और ये 216 फीट ऊंची है, और ये हैदराबाद में स्थित है, कहाँ है, हैदराबाद में है, 216 फीट ऊंची है, 1000वीं जयंती पर इसको किया गया, कब, 5 फरवरी 2022 में इसका उद्घाटन किया गया, नाम क्या है, स्टैचू ऑफ इक्विलिटी किसकी है, संत श्री रामानुजाचार्य की है स्टैचू ऑफ इक्विलिटी। इसी तरीके से प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन अभी प्रधानमंत्री जी ने किया 14 अप्रैल को, कहां पर, नई दिल्ली में किया इसका उद्घाटन, ठीक है, नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। इसी के साथ ही देखें तो स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है, केवड़िया गुजरात में है, और स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी मूर्ति है, सरदार वल्लभ भाई पटेल लोह पुरुष के नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, इन्हें
लोह पुरुष के नाम से जाना जाता है बच्चों, ठीक है, लोह पुरुष के नाम से इन्हें जाना जाता है। केवड़िया गुजरात में इसकी स्थापना की गई है, ठीक है। ये विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, किसकी? विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि 182 मीटर ऊंची है, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी है। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? ठीक है, नोट डाउन करते रहिएगा फटाफट, फिर बाद में चला जाए। स्टैचू ऑफ पीस, इस बात को ध्यान रखिएगा, स्टैचू ऑफ पीस भी है हमारे यहाँ। कौन सा? स्टैचू ऑफ पीस। स्टैचू ऑफ पीस की अगर हम बात करें तो कहाँ है ये? पाली राजस्थान में है, और ये जैन संत हैं रहे हैं, एक जैन संत, संत श्री विजय वल्लभाचार्य, विजय वल्लभाचार्य, विजय वल्लभाचार्य जी की मूर्ति है ये, किसकी? और ये ज़्यादा ऊंची नहीं है, 151 इंच की है, मात्र 151 इंच की ये मूर्ति है, ठीक है। किसकी? स्टैचू ऑफ पीस। स्टैचू ऑफ पीस कहाँ है? राजस्थान में है, पाली जिले में है। ये जैन गुरु, जैन संत की मूर्ति है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 151 इंच है, मात्र कितनी है? 151 इंच है। इसी के साथ ही अगर हम देखें स्टैचू ऑफ नॉलेज, स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ पर है? स्टैचू ऑफ नॉलेज है लातूर में, महाराष्ट्र, लातूर महाराष्ट्र में स्टैचू ऑफ नॉलेज है। और ये किसकी प्रतिमा है? ये किसकी प्रतिमा है? ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति है, जिनको संविधान का निर्माता कहा जाता है, जो कि संविधान के, भारतीय संविधान के निर्माता हैं, ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माता हैं, ठीक है। कौन? डॉक्टर बी आर अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। तो लातूर में है स्टैचू ऑफ नॉलेज। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स लिखे हैं जो कि आप लोगों को ध्यान होने चाहिए, तो नोट डाउन करते हुए चलना। अब यहाँ पर अगर गुजरात की स्थिति देखना चाहो तो मैप पर बहुत ही आसान तरीके से देख सकते हो। तो ये रहा गुजरात, गुजरात का मैप, ठीक है। ये गुजरात है भारत का, जो कि पश्चिमी राज्य है भारत का, और गुजरात वह राज्य है जिसकी सीमा किससे? पाकिस्तान से लगती है, ठीक है, पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। इसके अलावा समुद्रीय सीमा किस राज्य की सबसे लंबी है? गुजरात राज्य की सबसे लंबी है। यहाँ कांडला बंदरगाह है, जो कि भारत का एक प्रमुख बंदरगाह है। और किस सागर के साथ सीमा लगती है इसकी? अरब सागर के साथ सीमा लगती है, ठीक है। अब अगर हम भारतीय राज्यों में देखें तो राजस्थान के साथ लगेगी, मध्य प्रदेश के साथ सीमा लगेगी, और इसके साथ साथ महाराष्ट्र राज्य के साथ भी इसकी सीमा लगती है। राजधानी क्या है इसकी? गांधीनगर इसकी राजधानी है। तो इसी के साथ ही चलते हैं बाल को अगले प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। यहाँ तक मैं समझता हूँ कि चीज़ें अच्छे से आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। नोट डाउन कीजिए, आराम से चल रहा हूँ मैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। नोट डाउन नहीं कर पा रहे हैं तो स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहना, ताकि आगे आप अच्छे से रिवीजन कर सकें। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ट्विटर को किसने खरीदा है? भाई ट्विटर को किसने खरीदा है? बड़ा ही छोटा सा प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है, लल्लन टॉप प्रश्न हम इसे कह सकते हैं। तो एलोन मस्क ने खरीदा है। तो ये एलोन मस्क ने जो है लगभग $44 बिलियन में इसको खरीदा है। कितने में खरीदा है? $44 बिलियन में इसको एलोन मस्क ने खरीदा है। एलोन मस्क ने कितने में खरीदा है? $44 बिलियन में एलोन मस्क ने इसको खरीदा है। तो यहाँ पर बड़ी दिलचस्प कहानी रही जो है, एलोन मस्क इसको खरीदना इसलिए चाहते थे क्योंकि एलोन मस्क एक तो सबसे बड़े आलोचक माने जाते हैं अमेरिकन गवर्नमेंट के, ठीक है, आलोचकों में से एक हैं। वो लगातार अमेरिकन गवर्नमेंट की आलोचना करते रहते हैं, और उन्होंने ये कहा कि ट्विटर जो है वो सरकार की और बात करता है, यानी कि उस पर अगर सरकार के विरुद्ध बोला जाए तो ट्विटर उस पर बैन लगा देता है। इसीलिए फिर भी उन्होंने कहा एलोन मस्क ने कि आई लव ट्विटर, उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, एक ट्वीट में आई लव ट्विटर। तो एक व्यक्ति ने कहा कि आप इसे खरीद सकते हैं क्या? तो इलोन मस्क ने कहा कितने रुपए का है। फिर उसके बाद इलोन मस्क ने जो है फाइनल डील की, कितने में? $44 बिलियन में इसको खरीदा है ट्विटर को। अभी हाल ही में इसे कहते हैं डेडिकेशन, किसी चीज़ को पाने का एक जज्बा कि हम अगर पाना है तो पा लेना है। तो यहाँ से हमें सीखना चाहिए इलोन मस्क के से की व्यक्तित्व से कि हमें अगर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो पीछे नहीं हटना है, चाहे कुछ भी हो जाए हमें उसे प्राप्त कर ही लेना है। तो यहाँ पर देखना है कि इलोन मस्क ने सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर नियंत्रण हासिल अपना कर लिया है, ठीक है, और ये $44 बिलियन में, लगभग $44 बिलियन में इसका अधिग्रहण उन्होंने
किया है। इसी के साथ साथ इलॉन मस्क स्पेस एक्स जो कि एक अंतरिक्ष एजेंसी है, क्या है, अंतरिक्ष एजेंसी है, उसके भी सीईओ है, जिसका एक नेटवर्क चलता है या कहा जा सकता है एक प्रोग्राम है, स्टार लिंक प्रोग्राम। क्या है इनका उद्देश्य, है कि ये बहुत सारे हजारों की तादाद में सैटेलाइट जो हैं आकाश में भेज दें और उसके माध्यम से इंटरनेट की सुविधा दी जाए, ताकि अभी जो इंटरनेट आता है कैसे आता है, वायर के थ्रू आता है, तारों के थ्रू आता है, जमीन में समुद्र के अंदर जो है वायर बिछाए गए, तार बिछाए गए, लेकिन स्टारलिंक प्रोजेक्ट का उद्देश्य है कि वह अंतरिक्ष से, कहाँ से, अंतरिक्ष से। तो ये भाई बड़े मज़ेदार चीज़ है कि इसने जो है तारों का झंझट ही खत्म कर दिया अंतरिक्ष से, लेकिन विश्व की अधिकांश सरकारें जो है इसका विरोध कर रही, इनको अनुमति अभी नहीं मिली है कि स्टारलिंक प्रोजेक्ट को चालू किया जाए। इसके अलावा आपने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का नाम सुना होगा, तो टेस्ला, ठीक है, टेस्ला इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, इसके भी ये सीईओ हैं और संस्थापकों में से एक हैं टेस्ला। तो इनके पास स्पेस एक्स जो कि किसकी है, एलोन मस्क की कंपनी है, जो कि एक स्पेस एजेंसी है, टेस्ला जो कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक ई वाहनों का निर्माण करती है, बाल को बात समझ में आई। इसके संस्थापक और सीईओ कौन है, स्पेस एक्स के संस्थापक और सीईओ कौन है, एलोन मस्क। तो अभी मुझे आंसर बताओ कि ट्विटर किसके बाल को, कि ट्विटर के सीईओ कौन है अभी, ठीक है, भारतीय हैं, कौन है, पराग अग्रवाल जो हैं इसके सीईओ हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, फिर उससे पहले देख लीजिए, ये एलोन मस्क हैं। और अगला प्रश्न हमारा कि अप्रैल मई 2022 में होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 का आयोजन कौन सा, कहाँ, कौन सा स्थल, कौन सा है, यानी किस स्थल में, कहाँ पर जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 का आयोजन किया जाएगा। तो जल्दी से आंसर दे दो भाई कमेंट बॉक्स में, जिनको भी पता है। तो इसका आंसर क्या होगा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन जो है वो बेंगलुरु में किया जाएगा। बेंगलुरु किस राज्य में है, कर्नाटक राज्य में बेंगलुरु आता है, ठीक है, किस राज्य में आता है, कर्नाटक राज्य में आता है, ठीक है। तो बेंगलुरु में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 की मेजबानी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अगर हम देखें तो पहली बार कब आयोजन किया गया था खेलो इंडिया यूथ गेम का, तो 22 फरवरी 2020 को देश में पहली बार इसका आयोजन किया गया था, किसका, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का। तो 2020 में पंजाब यूनिवर्सिटी में इसका आयोजन किया गया था, पंजाब विश्वविद्यालय में इसका आयोजन किया गया था और विजयी भी जो है पंजाब यूनिवर्सिटी ही रही थी। तो अब जो इसका आयोजन किया जा रहा है दूसरी बार, कहाँ किया जा रहा है, बेंगलुरु में किया जाता है। यूनिवर्सिटी गेम है, खेलो इंडिया गेम्स नहीं है, यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है। इसका पहली बार आयोजन 22 फरवरी 2 को किया गया था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का शुभारंभ भी कहाँ से किया गया था, भुवनेश्वर से किया गया था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का शुभारंभ कहाँ से किया गया, भुवनेश्वर ओडिशा से किया गया था इसका आयोजन, इसका शुभारंभ, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ आयोजित होगा, बेंगलुरु में आयोजित होगा। पहली बार इसकी शुरुआत जो की गई थी 2020 में की गई थी, 22 फरवरी को ध्यान रखना है, ठीक है, 22 फरवरी को इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। और कहाँ से की थी, भुवनेश्वर से की थी। और भुवनेश्वर किस राज्य की राजधानी है बालको, ओडिशा की राजधानी है। क्लियर है यहाँ तक, तो आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर, अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि हाल ही में पल्ली गांव भारत का पहला कार्बन
न्यूट्रल पंचायत बना स्थित है। तो ये किस राज्य में है? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में है। तो जम्मू के सांबा जिले का पल्ली गांव पूरी तरीके से किस पर है? सौर ऊर्जा से संचालित है। किससे संचालित है? सौर ऊर्जा से ये संचालित है। तो सौर ऊर्जा से संचालित होने के कारण ये पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन चुका है। इसमें 500 किलोवाट सोलर प्लांट का भी उद्घाटन जो है पीएम मोदी ने किया है। किसने किया है? पीएम मोदी ने अभी इसका उद्घाटन किया है, और जो कि अभी जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहे हैं। तो पल्ली ने देश को कार्बन न्यूट्रल बनाने के ग्लासगो लक्ष्य से, ठीक है, ग्लासगो सम्मेलन हुआ था 2020 में भाई। ग्लासगो जो है ब्रिटेन में एक शहर है। कहाँ है? ब्रिटेन में एक शहर है, वहाँ पर सम्मेलन हुआ था, जिसमें क्या किया गया कि ये निर्णय लिया गया सभी देशों के द्वारा, भारत भी उसमें से एक था, कि हम जो है कार्बन न्यूट्रल होंगे। क्या होंगे? कार्बन न्यूट्रल होंगे। कार्बन न्यूट्रल होने का मतलब क्या हो गया कि शुद्ध शून्य कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन की स्थिति का होना, मतलब कि हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड की स्थिति का उत्सर्जन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखते हैं कि कार्बन तटस्थता या कार्बन न्यूट्रलिटी शुद्ध शून्य कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन की स्थिति है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी यहीं पर अमृत सरोवर मिशन, किसका? अमृत सरोवर मिशन, जो कि जल संरक्षण जागरूकता पर फोकस करेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे की आधारशिला भी रखी है, ठीक है। तो अमृत सरोवर मिशन जल संरक्षण की जरूरत पर फोकस करता है, जो कि कहां शुरू की गई भाई? जम्मू कश्मीर में ही शुरू की गई है। इसके अलावा पल्ली गांव किस कहां स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्यों सुर्खियों में रहा? क्योंकि यह सौर ऊर्जा से पूरी तरीके से संचालित है, और भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत यह बना है। कार्बन न्यूट्रल यानी कि यहां पर बिल्कुल भी जैव साधनों का, या कह सकते हैं जैव ईंधन का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में। यानी कि ग्लासगो जो लक्ष्य है उसकी और जो है हम लगातार बढ़ रहे हैं। तो इसके साथ ये और याद रखिएगा, अमृत सरोवर मिशन ये किस लिए है? जल संरक्षण की जरूरत पर फोकस करेगा। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे भी जो की आधारशिला भी जो है जम्मू कश्मीर में रखी गई है। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर। अगला प्रश्न है कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है आपके सामने 24 अप्रैल, 25 अप्रैल, 26 अप्रैल या 27 अप्रैल। तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो। इसका आंसर होगा 26 अप्रैल को। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। इसी के साथ ही 26 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। और इस बार की थीम क्या रही है? आईपी और युवा बेहतर भविष्य के लिए नवाचार। आईपी और युवा बेहतर भविष्य के लिए नवाचार। आईपी और युवा, ठीक है, बेहतर भविष्य के लिए नवाचार 2022 की जो है थीम हमारी रही है। इसी के साथ ही देखें तो 26 अप्रैल 1967 को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना की गई थी, ठीक है। और इसे जो लागू किया गया था 1970 में लागू किया गया था, ठीक है, 26 अप्रैल 1970 में ही इसे लागू किया गया था। 1967 में इसकी स्थापना हुई और 26 अप्रैल 1970 में इसे लागू किया गया। देखो, बौद्धिक संपदा संगठन, बौद्धिक संपदा का मतलब क्या हो गया? बौद्धिक संपदा का मतलब हो गया आपके नॉलेज की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। किसकी बात हो रही है? नॉलेज की बात हो रही है कि आपके दिमाग की जो उपज है, यानी कि आपने कोई नया चीज बनाया, ऐसा बनाया आपने दिमाग से कि जो विश्व में अभी नहीं है, जो विश्व में अभी वर्तमान में नहीं है। जब विश्व में अभी वर्तमान में नहीं है तो वो हो गई आपकी बौद्धिक संपदा। और इसके अंतर्गत ही आप देखते हैं कॉपीराइट, पेटेंट कह दें, और कॉपीराइट, ये सारी जो चीज़ें हैं वो किसके अंदर आती है? बौद्धिक संपदा के। इसके अलावा GI टैग, ज्योग्राफिकल इंटीग्रेशन, किसी जगह पर ही होने वाली कोई वस्तु, तो इसको आप लोगों ने बड़े आसानी से समझा भी होगा और देखा भी होगा। GI टैग अक्सर दिए जाते हैं विश्व के अलग अलग स्थानों पर। तो संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। किसकी? ये भी संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन की एक विशेष एजेंसी है। इसी के साथ ही आगे बढ़े तो इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसका मुख्यालय है किसका?
विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का WIPO का, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, कहाँ मुख्यालय है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। इसके साथ इसके महानिदेशक कौन है, अभी महानिदेशक हैं डेरेन टैंग इसके अभी वर्तमान में महानिदेशक हैं, डेरेन टैंग इसके वर्तमान में अभी महानिदेशक हैं। इसी के साथ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म ध्यान रखना है, अक्सर फुल फॉर्म पूछा जाता है एग्जाम्स में और कई एग्जाम्स में ये अभी हाल ही में पूछे भी गए हैं फुल फॉर्म्स को। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से देखिए कि 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया जाएगा, बधिर ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, तो आंसर होगा इसका बाल को क्या होगा, ब्राजील इसका आंसर होगा। लल्लन टॉप क्वेश्चन है ये, एकदम लल्लन टॉप क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो बधिर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, ठीक है, कहाँ आयोजित हो रहा है, ब्राजील में हो रहा है। तो टोक्यो वाला आंसर अभी तक कमेंट में नहीं आया, भाई टोक्यो में कौन सा ओलंपिक हुआ था जल्दी से कमेंट कर दो फटाक से, ठीक है। आगे देखें तो इसका आयोजन दक्षिण ब्राजील के कहाँ किया जाएगा, ब्राजील में भी, ब्राजील के दक्षिण भाग में कौन सा, कैस्कियस डू सूल शहर है, कौन सा शहर है, कैस्कियस डू सूल शहर है, उसमें किया जाएगा इसका आयोजन, ठीक है, कैस्कियस डू सूल शहर में किया जाएगा। और कब से होगा, 1 मई से 15 मई तक यह आयोजन होगा, ये गेम खेले जाएंगे। भारत की ओर से देखें इसका प्रतिनिधित्व कुल कितने लोग कर रहे हैं, तो 39 पुरुष हैं और 26 महिलाएं हैं भारत की ओर से, अभी भारत की ओर से कितने लोग हैं, 39 पुरुष और 26 महिलाएं हैं। तो आगे आने वाले करंट अफेयर्स में क्या कि भारतीयों ने कितने मेडल जीते, वो क्वेश्चन बनने वाले हैं आगे भविष्य में, ठीक है, तो ध्यान रखना है। दीपा मलिक ने अभी इन सबको शुभकामनाएं दी हैं, क्योंकि दीपा मलिक जो है पैरा ओलंपिक समिति की अध्यक्ष हैं, भाई दीपा मलिक पैरा ओलंपिक समिति की अध्यक्ष कौन है, दीपा मलिक हैं, ठीक है, दीपा मलिक कौन है जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो आंसर, ठीक है। तो इसके साथ ही इस बार का आदर्श वाक्य क्या रखा गया है, खेल हमारे दिलों में आता है, ठीक है, खेल हमारे दिलों में आता है, किसका आदर्श वाक्य है, क्वेश्चन बनेगा खेल हमारे दिलों में आता है ये किसका आदर्श वाक्य है, तो आपके सामने होना चाहिए आंसर किसका हो, किसका आदर्श वाक्य है, 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक का ये है वाक्य है, आदर्श वाक्य है, जो आइडियल लाइन है, जो आदर्श वाक्य है वो क्या रखा गया है, खेल हमारे दिलों में आता है, ये क्वेश्चन बन जाएगा भाई, अच्छे से ध्यान रख लो, समझ लो चीज़ों को, ठीक है। पिछली बार 2017 में इसका आयोजन किया गया था और कहाँ किया गया था, टर्की में किया गया था, सैमसन टर्की में इसका आयोजन पिछली बार किया गया था, पिछली बार कब, 2017 में किया गया था, बाल को कब किया गया था, पिछली बार 2017 में किया गया था सैमसन तुर्की में, अब किया जा रहा है कहाँ पर, ब्राजील में, ब्राजील के भी कैस्कियस डू सूल शहर में इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। यह है दक्षिण अमेरिका, ठीक है, ब्राजील की भी स्थिति देख लेते हैं भाई, वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ब्राज़ील कहाँ है, तो ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आता है, किस महाद्वीप में आता है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आता है, भाई कमेंट नहीं आ रहे हैं, ठीक है, बहुत से लोग ऐसे हैं मतलब देखते रहते हैं बस कमेंट नहीं करते, है ना, कमेंट भी किया करो, जो क्वेश्चन अगर मैं पुटअप कर रहा हूँ तो उसके आंसर दिया करो, नहीं तो किसी दिन जो है फ़ोन में से निकल के आ जाऊँगा बाहर में, ठीक है। चलो अगला इसमें क्या है पॉइंट कि भाई हम ये देखने वाले हैं, ये जो मैप है ये किसका है, सबसे पहले दक्षिण अमेरिका का है, किसका है, दक्षिण अमेरिका का मैप है, ठीक है, और इसमें ब्राज़ील सबसे बड़ा देश है, दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील क्या है, सबसे बड़ा देश है, तो ब्राज़ील सबसे बड़ा देश है, ठीक है, जिसके इस तरफ कौन सा सागर है, यहाँ यहाँ सागर है अटलांटिक सागर है, कौन सा सागर है बालको, अटलांटिक सागर, कौन सा सागर, अटलांटिक सागर है यहाँ पर, ठीक है, ब्राज़ील के किधर, ब्राज़ील के किस दिशा में, ब्राज़ील के पूरब में, ठीक है। और विश्व की सबसे बड़ी नदी कहाँ मुहाना बनाती है, ब्राज़ील में ही डेल्टा बनाती है, और क्या नाम है इस नदी का, अमेज़न नदी है, अमेज़न नदी है, और विश्व के घने जंगल सदाबहार वन भी अमेज़न के जंगल ब्राज़ील में पाए जाते हैं। दक्षिण अमेरिका के दो देशों को छोड़कर, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दो देशों को छोड़कर बाकी सभी देशों के साथ ब्राज़ील की सीमा लगती है, कौन कौन से देश, इक्वाडोर को छोड़ दो और चिली को छोड़ दो,
इक्वाडोर को छोड़ दो और चिली को छोड़ दो, बाकी सब के साथ इसकी सीमा लगती है। चाहे देख लो फ्रेंच गुएना, सुरीनाम गुएना, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, बोलीविया, पराग्वे, अर्जेंटीना, उरुग्वे, ठीक है, इन सब की सीमाएं देखो कहाँ लग रही हैं, ब्राज़ील के साथ लग रही हैं, बस चिली और इक्वाडोर की नहीं लगती हैं, ठीक है। ब्राज़ील से दो मुख्य लाइनें गुजरती हैं, एक तो ये हमारी हो जाती है भूमध्य रेखा और एक हो जाती है मकर रेखा। क्लियर है यहाँ तक? चलो तो यहाँ तक जो चीज़ें हैं नोट कर लेना, जो जो चीज़ें बताई थी उनको लिख लेना, ठीक है, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं ये सब जनरल नॉलेज के। तो भाई अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है हमारा कि हाल ही में हर गांव में पुस्तकालय वाला जिला कौन सा बना है, पुस्तकालय वाला जिला कौन सा बना है, हर गांव में पुस्तकालय वाला जिला बन गया भाई, हर गांव में पुस्तकालय है उस जिले के, लाइब्रेरी है, देख लो कितनी पढ़ाई के लिए कितना बड़ा कदम उठाती है सरकार कि यहाँ पे हर जिले में, तो किस जिले में है भाई, तो जामताड़ा, और ये जामताड़ा किस राज्य में आता है भाई, ये आता है झारखंड में। जिस राज्य ने अपनी शिक्षा का आधार, अपने विकास का आधार शिक्षा बना लिया, उस राज्य में समझ सकते हो कि स्थिति कितनी अच्छी हो जाएगी युवाओं की, और शिक्षा के साथ साथ स्वरोजगार की संभावनाएं भी अपने आप ही बढ़ जाती हैं। लेकिन ज़रूरत है कि आपस में लड़वाने के बजाय शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। तो झारखंड में जिसको हम मानते हैं कि भाई पिछड़ा राज्य है, उसने अपने यहाँ ग्राम पंचायतों में सामुदायिक पुस्तकालयों को बढ़ावा दिया है ताकि बच्चे मुफ्त में शिक्षा ले सकें उन पुस्तकालयों में बैठकर, सुबह 9 बजे से 5 बजे तक बच्चे जो है उस पुस्तकालय में जाकर बैठ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और वहाँ पर मेंबरशिप ले सकते हैं, मेंबरशिप लेकर अपनी किताबें वहाँ से इशू करवा सकते हैं, मुफ्त एक तरीके से शिक्षा यहाँ पर लाइब्रेरी की दी गई है। तो जामताड़ा झारखंड का पहला राज्य है और इसके साथ साथ देश का भी है। तो जामताड़ा जिले में 2010 में पहला सामुदायिक पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया था और अभी जो है जामताड़ा में पहला, जामताड़ा जिला या जामताड़ा जो जिला है उसका हर एक गांव में पुस्तकालय हो चुका है। तो अगर उत्तर झारखंड का मैप देखेंगे तो झारखंड की स्थिति कुछ यहां पर आती है और झारखंड भी हमारा एक जो है लैंडलॉक स्टेट है जिसकी राजधानी रांची है, उत्तर में बिहार है, पूरब में पश्चिम बंगाल है, दक्षिण में ओडिशा है, फिर छत्तीसगढ़ है और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के साथ भी सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश का सीमा साझा करता है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि झारखंड कौन सा राज्य है, झारखंड राज्य, और रांची से होकर बिल्कुल कर्क रेखा गुजरती है, इस पॉइंट को भी आप लोगों को ध्यान रखना है, और ये वर्ष 2000 में बिहार से अलग होकर एक नया राज्य बना था, ठीक है, बिहार से अलग होकर एक नया राज्य ये बना था। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व सैन्य व्यय पर रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई, हाल ही में विश्व सैन्य व्यय पर यानी कि कौन सबसे ऐसा देश बना जो सबसे ज़्यादा अपने सैन्य व्यय पर, अपने खर्चों पर, अपने सेना पर खर्च कर रहा है। तो ये रिपोर्ट जारी की किसने, सिप्री ने, ठीक है, सिप्री ने ये रिपोर्ट जारी की है, सिप्री ने, ठीक है। सिप्री कौन, फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन, ठीक है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन, इसको नोट कर लेना फुल फॉर्म को, सिप्री की आराम से पूछा जाता है। और इसमें क्या दिया गया है कि भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाला है, यानी कि अगर नंबरिंग लगाई जाए तो पहले पे आएगा USA, दूसरे पे आएगा चाइना, तीसरे पे आएगा इंडिया, चौथे पे आएगा आपका UK और पांचवे पे आएगा आपका जापान, ठीक है, ये जो हैं पांच टॉप हैं। तो भारत किस कहाँ है, तीसरे स्थान पर है कि भारत ने 2021 में जो खर्चे किए हैं अपनी सेना पर वो तीसरे स्थान पर सबसे ज़्यादा खर्चे किए हैं पूरे विश्व में, ठीक है, पूरे विश्व में तीसरे स्थान पर सबसे ज़्यादा खर्च किए हैं। तो सिप्री के बारे में अगर देखें तो सिप्री एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जिसकी स्थापना कब की गई थी, 1966 में
की गई थी, 1966 में की गई थी। मुख्यालय इसका कहाँ है बालको? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में है। देखो इसके नाम से ध्यान रखना, इसका फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो उसी तरीके से जो है स्टॉकहोम में ही जो किसकी राजधानी है, स्वीडन की राजधानी है, वहाँ इसका मुख्यालय है। देखो इसका इस संस्थान का जो उद्देश्य है विश्व भर में शांति को स्थापित करना, यानी कि इस बात को दिखाना कि कौन सा देश सेना पर कितना खर्चा कर रहा है। यानी कि इसका उद्देश्य ये रहता है कि कोई भी देश अपनी सेना पर ज़्यादा खर्चा ना करके किस पर खर्चा करे, अपने विकास पर खर्चा करे, शिक्षा पर खर्चा करे। ये चाहती है कि विश्व में शांति बनी रहे, युद्ध की स्थिति ना हो, और ये ही लगातार कहती है कि देशों को इतने हथियार नहीं रखने चाहिए, विश्व के सभी देशों को इतने हथियारों को अपने पास नहीं रखने चाहिए। ठीक है, इसी के साथ ही आगे देखें तो विश्व में सर्वाधिक सम्मानित थिंक टैंक की सूची में इसको शामिल किया गया है। तो इसने अपनी एक रिपोर्ट जारी की 2021 की, वो रिपोर्ट कुछ ऐसी ही है कि इसमें कौन सा देश कहाँ और किसके पास ज़्यादा हथियार रहे हैं। फुल फॉर्म ध्यान रखना है आपको इसका बाल को, क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। मुख्यालय का है, स्टॉकहोम में ही है, इसके नाम से ही आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। इसी के साथ ही अगला प्रश्न लेते हैं, अंतिम प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लल्लन टॉप प्रश्न है भाई। तो इसको जो है टॉप 10 प्रश्नों में से एक है, टॉप प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पे आयुष मार्ग की घोषणा किसने की? पीएम मोदी, नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी, अमित शाह। तो क्या होगा आंसर इसका बाल को? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। किसने किया है? पीएम मोदी ने इसका अभी लॉन्च किया है, पीएम मोदी ने। ठीक है, तो पीएम मोदी ने इसको लॉन्च किया है। तो देश में जल्द ही, ठीक है, गुणवत्ता वाले आयुष, मतलब कि जैसा हम लोग देखते हैं एग्रीमार्क है ना, जो कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को बताता है, उसी तरीके से आयुष मार्क आएगा। क्या आएगा? आयुष मार्क, जो कि आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, इनके जो उत्पाद हैं, जो दवाइयां हैं, जो वस्तुएं हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, उनको एक प्रमाणिकता प्रदान करेगा कि हाँ ये जो है बिल्कुल सही और सटीक चीज़ है। समझ गए बात? ठीक है, तो एग्री मार्क एक तो होता है उसी तरीके से, या आयुष मार्क को शुरू किया जा रहा है। इसी तरीके आयुष मार्क की तरह आयुष वीज़ा भी लाया जाएगा भाई। आयुष वीज़ा क्यों लाया जाएगा? ताकि उन व्यक्तियों की मदद की जा सके कि जो भारत आकर किस माध्यम से इलाज कराना चाहते हैं, आयुर्वेद के माध्यम से, योग के माध्यम से, प्राकृतिक चिकित्सा या यूनानी, सिद्धा या होम्योपैथी से अपना इलाज कराना चाहते हैं, यानी कि हम इसे बोल देते हैं पारंपरिक उपचार के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति भारत आकर इलाज कराना चाहता है तो उसको इशू किया जाएगा आयुष वीज़ा। क्या इशू किया जाएगा? आयुष वीज़ा। इससे क्या होगा कि भारत की जो प्राचीन चिकित्सा पद्धति है उसका विकास होगा। और इसी कारण ही 2014 में आयुष मंत्रालय का गठन इस सरकार के द्वारा किया गया था। आयुष मंत्रालय का गठन इस सरकार के द्वारा किया गया था। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक? कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर डालना। ठीक है, और कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। फुल फॉर्म ध्यान रखो, आयुष का फुल फॉर्म क्या है? आयुष में आयुर्वेदा आएगा, योगा एंड न्यूट्रोपैथी आएगा, यूनानी आएगा, सिद्धा आएगा और होम्योपैथी आएगा। अगर ऐसे ही पूछ ले कि आयुष में यू का क्या अर्थ है, तो यू का अर्थ है यूनानी। ठीक है, ए का अर्थ हो गया आयुर्वेदा, योगा, वाई का अर्थ हो गया योगा एंड नेचुरोपैथी, एस का अर्थ हो गया सिद्धा, एच का अर्थ हो गया होम्योपैथी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। आयुष एक मंत्रालय है केंद्र सरकार में। ठीक है, इस चीज़ को हमें भूलना नहीं है, जिसकी स्थापना 2014 में हुई है। तो ये थे आज के हमारे 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं समझता हूँ कि कुछ जानकारी आपको यहाँ पे अच्छे से हासिल हुई होंगी, और इसी के साथ ही लगातार रेगुलर बने रहो। कल हम पिछले जो करंट अफेयर्स हुए हैं उसको पहले शुरू में एक बार एक एक लाइन में देखेंगे, फिर उसके बाद जो है आगे के अपने टॉप 10 क्वेश्चंस को शुरू करेंगे। तो यहाँ तक लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिनको भी अच्छा लगा हो, समझ में आई हो चीज़ें और आगे उनके एग्ज़ाम में काम आए, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।